नमस्कार। झारखंड सी एम एम एस एस अर्थात मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2022 के मैथ्स का ये पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो में हमने पहले 15 प्रश्नों को हल किया था। अब पार्ट टू वीडियो में उसके बाद के 15 प्रश्नों को हल कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 166, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा जब एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 हो। तो आइए इसका मान निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक्स का मान है 1 यानी 1 स्क्वायर और वाई का मान है 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये प्लस और ये 2 का स्क्वायर 4 यानी 5। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। 167 इसमें है निम्न का निम्न आकार का नाम क्या है। ये आकार आप देखिए क्या है, ये है शंकु। क्वेश्चन नंबर 168 निम्न आकार का नाम है, तो इस आकार को देखकर आप बताइए क्या है। यह है बेलन। क्वेश्चन नंबर 169 किसी त्रिभुज जिसका आधार बी तथा शीर्षलंब एच है का क्षेत्रफल होगा। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला चाहिए। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई या शीर्षलंब। तो ये हो गया ये पहला नंबर। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 171 ए टू द पावर एम बाई बी टू द पावर एम बराबर होगा। तो ये घातांक के नियमों से हम जानते हैं कि ये होगा पहला नंबर। 172 10 टू द पावर -1 बराबर होगा। तो ये फिर घातांक के नियम में देखेंगे तो ये हमारा आता है, ये तीसरा नंबर आंसर है 1/10। 173 में है कि एक घोड़ा 12 दिनों में 18 किलोग्राम मक्का खाता है, वह 9 दिनों में कितना खाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें निकालना क्या है, मक्का की मात्रा कितना किलोग्राम, ये मक्का है ना, कितना खाएगा, कितना खाएगा नहीं कितना मक्का खाएगा। तो जिसे निकालना होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 18/12 और कितने दिनों में है, गुना 9। एक बार फिर से बता रहे हैं कि जो भी हमें निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं यानी अंश में रखते हैं और दूसरी जो राशि होती है उसे नीचे रखते हैं। तो ये दिन था तो दिन को हम नीचे रखिए और ये किलोग्राम को ऊपर। आप 9 दिन का है, कितने दिनों में वो 9 दिनों में कितना खाएगा, तो 9 से गुणा करेंगे। तो अब इसे काटेंगे तो 3 से 4 बार में जाएगा और ये 3 से 3 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 2 4 और 2 9 18। तो ये इस तरह से हो गया ये 27/2 अर्थात 13.5 किलोग्राम। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 174 एक लड़का 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, वह 600 मीटर दौड़ने में कितना समय लेगा। तो अभी हमने बताया था कि जो निकालना होता है उसे हम ऊपर रखते हैं। तो यहां हमें समय निकालना है तो ये 10 मिनट को हम ऊपर रखते हैं, 10/1 किलोमीटर है यानी 1000 मीटर और ये गुना करेंगे 600। तो ये शून्य ये शून्य ये 200 कट गया और ये शून्य और ये शून्य कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारा 6 मिनट।
तो ये आंसर है ये। पी टू द पावर फोर क्यू टू द पावर फोर तथा पी टू द पावर फोर क्यू टू द पावर थ्री का सार गुणनखंड होगा। सार गुणनखंड अर्थात जो दोनों में कॉमन है। तो हम देखते हैं कि इस पी में यहां इसका घात या घातांक है 3 और यहां पी का घात है 4, तो जो कम है वही तो कॉमन हो सकता है, तो ये हो जाएगा पी थ्री। अब क्यू में भी देखते हैं यहां 4 है और यहां घात 3 है, तो इसमें भी कम ये है, छोटा ये है, तो ये हो जाएगा क्यू का घात 3। तो ये हमारा जो सार गुणनखंड हो गया वो पी टू द पावर 3 और क्यू टू द पावर 3, तो ये तीसरा नंबर। आ 176 नंबर से 180 नंबर का जो प्रश्न है वो निम्न वृत्त आरेख को ध्यान पूर्वक अवलोकन कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात ये जो वृत्त आरेख है इसी का अवलोकन कर हमें इनके जवाब देने हैं। तो पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं, क्या प्रश्न है। ये किस मत पर अधिकतम व्यय हुआ, किस मत पर सबसे कम व्यय हुआ, और इसके बाद है कितना बचत हुआ, और ये कपड़े तथा शिक्षा में अंतर है, और ये खाना तथा शिक्षा के खर्च का योगफल है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि इसका खर्च भी निकालना है। तो हम जितने भी मद हैं इसका हम पहले ही खर्च निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले खाना का निकालते हैं। तो खाना का जो खर्च है ये हो जाएगा 150, ये डिग्री है 150, केंद्रीय कोण जो है यहाँ पर 150 डिग्री है इसका, इस त्रिज्यखंड का। तो ये कुल कितना है, इसको हमारा निकालने का जो तरीका होता है ये 150, और ये जो पूरा कोण होगा संपूर्ण कोण ये 360 डिग्री है ना। और जो इसका बजट है इस परिवार का कुल बजट वो है 10,800 रुपया। तो ये इसको हम गुना करेंगे 10,800 रुपया से, तो ये शून्य और ये शून्य कट गया, और ये 36 से काटेंगे तो 30 बार में जाएगा। हाँ 36 या 108 होता है 30 बार, तो ये हो गया 15 45 और ये 2 शून्य, इतना रुपया इसका खाना में खर्च है। अब कपड़ा का खर्च, कपड़ा का खर्च तो ये 70 डिग्री है, तो ये 70/360 गुना 10,800, तो ये फिर यहां ये कटेगा तो फिर 30 आ जाएगा, ये 30 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 21,000 रुपया, 2,100 रुपया। अब इसके बाद शिक्षा, शिक्षा का खर्च तो ये हो जाएगा 30/360 और गुना 10,800, तो ये शून्य और ये शून्य कट गया, और ये 36 से 30 बार में, तो ये आ गया 900 रुपया। तो शिक्षा पर इसका खर्च हो रहा है 900 रुपया। अब इसके बाद क्या बचा है, मकान का किराया। तो मकान का किराया तो ये भी ऐसे ही निकालेंगे, ये कितना है, मकान का किराया 75 डिग्री है, तो ये 75/360 गुना 10,800, तो ये शून्य और ये शून्य कट गया, तो ये 36 से फिर 30 बार, तो ये 75 तिया कितना होता है 225 और 1 शून्य, यानी 2,250 रुपया। अब एक है बचत, तो इसका बचत कितना होता है, बचत बराबर, तो ये 35 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 35/360 डिग्री गुना 10,800, तो ये फिर हमारा हो जाएगा, ये 30 से कट जाएगा, 36 से ये 30 बार कट गया,
तो ये 35 तिया कितना हो जा रहा है, 3 से 15, हाथ मिला 1 3 3 9 1 10, तो ये 1 शून्य इधर बैठाएंगे, तो ये हो गया 1050 रुपया। अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं जो दिया गया है, इनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस मद पर अधिकतम व्यय हुआ, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा था? ये देखिए, खाना का, ये जो त्रिज्यखंड है, जो सबसे बड़ा त्रिज्यखंड है वो खाना का है, 150 डिग्री इसका केंद्रीय कोण है, तो ये सबसे ज्यादा अधिकतम व्यय हुआ है हमारा खाना पर। किस मद पर सबसे कम व्यय हुआ, देख रहे हैं ये सबसे कम डिग्री वाला है शिक्षा, तो सबसे कम खर्च हुआ है शिक्षा पर। यदि परिवार का बजट 10,800 रुपया हो तो कितना बचत हुआ, तो अभी बजट हमने निकाला है 1050 रुपया, तो ये हमारा हो गया ये 1050 रुपया। अब इसका अगला है 179 नंबर प्रश्न, यदि परिवार का बजट 10,800 रुपया हो तो कपड़े तथा शिक्षा के खर्च में कितना अंतर है, तो अभी हमने निकाला है कपड़े पर खर्च इसका कितना है, कपड़े पर खर्च है 2,100 रुपया, कपड़े पर खर्च है 2,100 रुपया, और शिक्षा का पूछ रहा है तो ये 900 है ना, शिक्षा ये था ना, देख लेते हैं फिर से एक बार, कपड़े तथा शिक्षा है ना, तो कपड़े तथा शिक्षा, तो इसमें कपड़े में कपड़ा पे कितना था, 70 डिग्री, तो ये 30 7 21, 2100 और 900, ये तो आ जा रहा है हमारा 3,000 रुपया ना, सॉरी ये अंतर निकालना है ना, जोड़ना नहीं है, ये अंतर निकालना है ना, ये जोड़ेंगे नहीं, ये क्या करेंगे हम, घटाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2100 से 900 घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है, ये 1200 रुपया, सॉरी यहाँ पर हम गलती से जोड़ ले रहे थे, ये अंतर निकालना था, हमें लगा कि जोड़ है, तो ये 2100 से 900 निकालिए तो ये 1200 रुपया आया, तो ये कपड़े और शिक्षा में जो अंतर है वो है हमारा 1200 रुपया। अब 180 नंबर क्वेश्चन है, खाना तथा शिक्षा के खर्च का योगफल है ना, खाना और शिक्षा का जो खर्च है उसको जोड़ना है, तो खाना में हमारा कितना खर्च है, खाना में खर्च है 4,500 और शिक्षा पर खर्च है हमारा 900, तो इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5,400 रुपया, तो यहां पर देखते हैं हमारा कौन सा नंबर है, ये तीसरा नंबर, 5,400, ये हमारा आंसर है। तो पार्ट वन और पार्ट टू मिलाकर हमने इस परीक्षा अर्थात मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के गणित का प्रश्न हल किया 30 प्रश्नों को, और इसमें 30 ही प्रश्न थे। निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में जो राष्ट्रीय साधन से मेधा छात्रवृत्ति होगी अथवा मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति होगी उसके लिए काफी उपयोगी होगा, तो जो भी विद्यार्थी आने वाले वर्षों में इन परीक्षाओं में बैठने वाले हैं वो अभी से इसकी तैयारी करें।
और जो शिक्षक इसकी तैयारी करा रहे हैं उनके लिए भी ये काफी उपयोगी है। धन्यवाद।